operator has recovered a segment. Install it now. Ordis patiently awaits its installation. Get communications online. I must analyze what Voris Ascaris is doing to your warframe. This technology is beyond the Grineer. It must be Corpus in origin. Hello guys, how are you? Hope you all are fine. And welcome back to the Zeta Tech Gamers. So guys, आज हम लोग खेलने वाले हैं Warframe Episode 3. और मेरे साथ मौजूद है my co-gamer Techie. Techie say hello. Hello मित्रों, कैसे हो सभी लोग? I hope तुम सब पेड़ान fine होगे. So guys, last वाली episode में क्या हुआ था? कि हजारों साल पहले Captain War ने टेनो को और उसके साथियों को किडनैप कर लिया था और उनको फ्रीज कर दिया था, इसलिए कि उनके होश में आने के बाद, अनफ्रीज होने के बाद, वो कैप्टन वॉर के गुलाम बन जाए. तो लेकिन लोटस ने हमें बड़ी बहादुरी से वहाँ से बचा लिया था, एस्केप करवा लिया था. लेकिन कैप्टन वॉर ने जाने से पहले हमारे अंदर एक चिप फिट कर दी थी. उस चिप से वो हमारे माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकता है और हमें उसका गुलाम बनना पड़ेगा. यानी वो जो भी ऑर्डर कहेगा हमें उसकी माननी पड़ेगी. वो ऐसी चिप है, लेकिन हम ये चीज़ नहीं चाहते कि ऐसा हो. तो उसको, उससे बचने के लिए लोटस ने एक हल निकाला था और वो था सेगमेंट, जो सेगमेंट उसके सीक्रेट बेस में से चोरी करना था. और लास्ट वाली एपिसोड में हम उसके सीक्रेट बेस में जाकर उसकी, उससे वो सेगमेंट चुरा कर ले आए हैं. और अभी एपिसोड के स्टार्ट में ऑर्डिस ने हमें बताया है कि उस सेगमेंट को इंस्टॉल करना होगा. और लोटस ने बोला है कि जो कैप्टन वॉर है वो हमारे वॉर फ्रेम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसलिए हम बिना किसी देर के सेगमेंट को इंस्टॉल कर रहे हैं. तो ओके, हम सेगमेंट को इंस्टॉल कर रहे हैं. लेट्स सी के क्या होता है. The operator is now connected with other Tenno in the system. The operator may now contact all black market scumbags. Contact arms dealers. Excellent idea, Ordis. Tenno, we need to make contact with a Corpus defector sympathetic to the Tenno cause. They will, of course, require compensation. You see what Ordis is referring to, operator? In this case, compensation will not be credits. It will be freedom. I've updated navigation. You will need to break him out of a Grineer gulag. ओके तो गाइस, मैंने ऑर्डिस की और लोटस दोनों की बातें सुन ली हैं. और ऑर्डिस कह रहा है कि अब कैनो बाकी टेनोस के साथ बात कर सकता है, लेकिन सेगमेंट को ऑपरेट करने के लिए उसे आर्म्स डीलर्स के साथ कांटेक्ट करना चाहिए. और लोटस को ऑर्डिस की ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसलिए लोटस ने कहा है टेनो से कि तुम्हें कॉर्पस डिफेक्टर के साथ बात करनी चाहिए और उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहिए. लेकिन उनको यकीनन कॉम्पेंसेशन चाहिए होगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इस केस में उन्हें पैसे नहीं बल्कि आजादी चाहिए. और उसने एक जगह का नाम बताया है जिसमें से उनको किसी को वहां से आजाद करवा के लेकर आना है हमें. यानी कि जो आर्म डीलर हमें चाहिए वो कैप्टन वॉर की कैब में है और हमें उसको एस्केप वहां से करवाना है. तो ओके, तो गाइस अपने स्पेसशिप को तैयार करते हैं और चलते हैं आर्म डीलर को उसकी कैब से आजाद करवाने के लिए. अरे ये तो अर्थ पर है ये डेस्टिनेशन. हाँ बिल्कुल, ये अर्थ पर है क्योंकि कैप्टन वॉर ने अपने सारे सीक्रेट बेस अर्थ पे बनाया और वो अर्थ पे क्योंकि कब्जा करना चाहते हैं. अरे बहुत, तुम ध्यान से के मुंह के बल घिर मत जाना. मुझे जंप करने अच्छे से आती है. The arms dealer is named Darvo. He's being held in the prison block on the other side of this factory complex. ओके, तो उस आर्म डीलर का नाम डार्वो है. लेकिन कैप्टन वॉर ने ये जगह तो बहुत कमाल की बनाई है. जो भी बेसिस उसके होते हैं बहुत ही कमाल के होते हैं. How many Grineer slaves died to build this place? अरे वो लोटस भी वही बात कह रही है कि कितने सारे लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया होगा और तब जाके कैप्टन वॉर का ये बेसमेंट बना होगा. डार्वो वाज आउट फॉर हिमसेल्फ, but he is sympathetic toward the Tenno. The Grineer must have found out. The Ascaris is working, breaking through. I see. अरे ये तो फिर से आ गया. Of your mind. अरे गाइस, ये है कैप्टन वॉर जिस चिप की वजह से. Don't let Vor distract you. Focus on the mission. It's our only hope of figuring out this link with him. हाँ तो मैं ये कह रही थी कि ये कैप्टन वॉर जो हमारे माइंड में आके पता नहीं क्या अजीब अजीब सब बोलता रहता है.
लेकिन उसकी वजह से हम अपना रास्ता भटक गए हैं। और लोटस हमें कह रही है कि उसके बातों में मत आओ, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है। और ये सब ना उसी कैप्टन वॉर की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से अजीब से चक्कर आ रहे हैं और हम तो रास्ता ही भूल गए हैं। लेकिन यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हम आए थे, और आगे चल के रास्ता ढूंढते हैं। और यहाँ पर कोई लॉक भी नहीं है जो खोलना होगा। अरे उस बेसमेंट के अंदर जाओ ना। अरे ये आगे, मारो 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 इनको, इतनी गंदी शक्ल है इनकी। छी, कैप्टन वॉर को चाहिए यहाँ पर शीशे लगा दे, शीशे देख के ही खुद ब खुद अपनी शक्ल देख के ही मर जाएंगे। क्या बात है, वैसे बात तो ठीक की है टैकी ने, टैकी बिल्कुल सही कह रहा। अरे ये है रास्ता, ओ आगे हम यहाँ से होकर ही गए थे ना, लेकिन वो कैप्टन वॉर की वजह से सब कुछ हुआ था, मतलब उसी ने हमें डिस्ट्रैक्ट किया और हम वहाँ से बाहर निकल गए। ओके तो यहाँ पर एक टनल जा रही है, इस टनल के अंदर जाके देखते हैं। और सामने आया है, पहले डायलॉग बोलते हैं फिर जाके गन उठाते हैं, क्योंकि डायलॉग बोलने से पहले ही टाइम टाइम फिश हो गए। ओके तो यहाँ से जंप लगाते हैं। इन खजानों को खोलना चाहिए, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं। अरे रहने दो इनको, अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेंगे तो तब निकालेंगे। और ये सामने आ गई है इनकी पूरी फौज नूब्स की, तो जल्दी से रीलोड हो जा। जब देखो कुछ लोग वहाँ बैठ के कर क्या रहे थे, पता नहीं। ओके तो यहाँ से हम एमोस पिक कर लेते हैं, जो कि काम आएंगी आगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी इस पूरे बेसमेंट को एक्सप्लोर करना है और वहाँ से डॉरवॉक को इस लोकेशन को पिक करना है, और मेरे हिसाब से यहीं पर जाना होगा। अरे आगे तो और भी ज़्यादा फौज खड़ी हुई है उन गंदे शक्लों वालों की, कैसी रे फौज है ये। अरे बैठ के मारने की कोशिश कर रहा था, इसको इतना टाइम देने के बाद भी इसने मार नहीं सका। इनके एलियंस इंसान थोड़ी है, इनके अंदर अक्ल कहाँ पर है। ये तो बिल्कुल ही मुंह पर आ गया, अबे ठहर। सीधा मुंह के ऊपर जाके शॉट लगाए। ओ नूब्स की मास्टर, ये क्या कर रही हो, सीधा उनके मुंह के आगे जाके खड़ी हो गई हो, मारेंगे पकड़ के तुम्हें। अरे कुछ नहीं कहते, मारना। देखो गाइस इतनी देर मैं इसके पास खड़ी ले, लेकिन ये मार नहीं सका। लेकिन गोलियां पड़ रही हैं, कहाँ से पड़ रही हैं। अरे बेवकूफ पीछे मुड़ के देखो, तुम्हें पता चलेगा ना कि कौन मार रहा है तुम्हें। यहाँ पर खड़े रहने से, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि तुम उधर जाओ उसकी लोकेशन पर। अरे जा रही हूँ, टेंशन ना लो, रास्ता समझ के सोच समझ के जाना है ना। वैसे छलांगे मारते हुए वो ऊपर पहुंच जाएं और आगे से इनकी पूरी फौज निकल कर आ जाए। अरे क्या बात है, क्या खामोशी है, मुझे लगा यहाँ पर खड़े होंगे। अरे आराम आराम से जाओ, इनको पता नहीं लगना चाहिए, वरना ये आ जाएंगे फौज लेकर। अरे टैकी स्टन करने में मज़ा नहीं है, जो ये बूम बम करने में मज़ा ना, सीधा इनके मुंह पर जाके बहादुरों की तरह खेल लें। सीने पर गोली खाने वाले हैं हम। लो तुम खाओ सीने पर गोलियां, अब अलान बच चुका है और ये सारे आ रहे हैं फौज लेकर अपनी अपनी। ओए गाइस ये तो ऑटोमेटिक गन्स भी इनेबल हो चुकी हैं, और ये तो ऐसी हैं जो मुझे देखते सारी किल कर देंगी। लेकिन उससे पहले मुझे ना इन बदतमीजों से लड़ना पड़ेगा, बदतमीजों को पहले मार दूँ ना,
उसके बाद आगे जाके इन गन से भी निपटते हैं। ओके, तो एबिलिटी अनलॉक हो चुकी है इलेक्ट्रिक शॉक की। एक मिनट, इसके ऊपर चढ़ के यहाँ से मारते हैं। ये लोग नीचे जाएंगे और मैं यहाँ से इनको ये, अरे ये लगी ना। बहुत अच्छे, खामोशी हो चुकी है लेकिन अभी भी पड़ रही है कहीं ना कहीं से गोली। अरे ये लेजर गन्स ही होंगी ना जो मार रही होंगी तुम्हें। यार ये बात तो है, लेकिन एक काम करते हैं, इसको हैक करके हम ये अलार्म्स को जो है ना बंद करते हैं। अरे ये कहाँ से आया, मैं उधर से अलार्म बंद कर रही हूँ, इधर से पीछे से आ गए। ओके, तो अलार्म बंद करने से कुछ तो फ़ायदा होगा। अरे घाटे का फ़ायदा, ये तो तुम्हारे मुंह पर ही आके तुम्हें मार रहे हैं। पूरी फौज एक्टिवेट हो चुकी है उनकी और तुम्हें बूम बम करने में मज़ा आ रहा है। बहादुरी से सीने पे गोली खानी है तो खाओ, ये लो ये पड़ी तुम्हें गोली एक। अरे टैकी नाराज नहीं हो, ये पूरा स्पैम कर देंगे इनको गन से, बारिश करेंगे, नहलाएंगे इनको। पता चलना चाहिए कि आखिर आया कौन है। अरे उसको देखो, एक मरा है, नीचे आया है, डर के दोबारा वापस चला गया ऊपर। मारो इसको भी खींच के। यार इसको ना करीब जाते ही मारना पड़ेगा, इससे ना गन की रेंज नहीं उस तक पहुंच रही थी, इस वजह से ना ये मर नहीं रहा था। अरे फिर से शोर करके बुलाओगी क्या सबको? अरे कुछ नहीं होता, टेंशन ना लिया करो, एक तो तुम इतना डरते हो। This is the prison block. If you can avoid detection by the warden, it may be easier to get Darvo out. Bypass the security so we can enter. Okay, तो ये है prison block और यहाँ से हमने इस door को open करना है और वहाँ से Darvo को एक escape करवाना है। लेकिन distraction बना कर रखनी है, उनको पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं बिल्कुल ऐसे खामोशी से जाके डार्वो को लेकर आ जाऊँ। इनसे ना मैंने बदला लेना है, मुझे इनको मारने में जो सुकून मिलता है ना, वो ऐसे खामोशी से जाने में सुकून नहीं मिलता। लेकिन कोई नहीं, अभी ट्राई करते हैं खामोशी से करने की, जब तक किसी को पता नहीं चलता। जब पता चल जाएगा तो फिर शुरू कर लेंगे अपनी। जो करा खुदा का, तुम्हें अकल तो आई ना, वरना तुम्हारे अंदर तो अकल है नहीं। मारो इसको तलवार खींच के, मारो। अरे रुको, इसको ना गन से मार, मारने दो, कब तक मार लेगा वो, तो मुझसे देखो डर के ही भाग गया। मारते हैं, मारते हैं इसको, ये ले, निकल ना। अरे यार मैं पिस्टल यूज कर रही हूँ, लेकिन अभी भी कोई बचा हुआ है। अरे बेवकूफ लड़की, पीछे मुड़ के देखोगी तो तब ना, अब तुमने तो पूरा, तुम्हारा तो इरादा ही नहीं है स्टन करने का। तुमने पूरे जहां को पता कर उसके बाद ही तुमने लड़ना है। हाँ तो मजा भी तो इसमें ही है ना, आने दो फौज को। You've been spotted. लोटस ने भी बोल दिया है कि तुम पकड़ी गई हो, तुम्हें तुम्हारा पता चल गया है, अब तुम्हें जल्दी से फाइट करके ही उसको एस्केप करवाना होगा। ओके, तो गाइस हम तो चाहते ही ये थे। ये क्या है, ये तो कोई नई टाइप की आई है। ये कुछ नया था यार, मतलब ये नॉर्मल आर्मी की तरह नहीं थी, ये कोई नई आर्मी आई है जिनके पास गन्स भी अच्छी वाली हैं और बाकी भी डैमेज भी अच्छा खासा दे दिया इसने। मैं भी कहूँ गोलियां पड़ रही हैं लेकिन नजर नहीं आ रही। एक तो इनकी शक्लें भी बिल्कुल ऐसी हैं ना, पता भी नहीं चलता कहाँ खड़े होके मार रहे। अब मजा आया ना, आओ और कौन आएगा, आओ जो भी आ सकते हैं आओ। मत ललकारो उन्हें, वो सच में आ जाएंगे। क्यों, तू
क्यों तुम इतना डरते हो? डरता? मैं नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता। अरे बेवकूफ लड़की, ये गेट बंद है, इस गेट से नहीं जाना, सामने वाले गेट से जाना है। ओए कह रहे अटैक, नहीं अटैक में नहीं कह रही, अटॉक। करने आया था हम पर अटॉक। इसको लग रहा है एक लेकर आएगा। चाकू था शायद से इसके पास, छुरा था, उसे मारने आ रहा था। अरे वाह क्या हेडशॉट मारा है, मुझे तो लगा सिर्फ पाइप को ही लगती रहेगी गन। अरे नहीं नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब यार यहाँ से कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। चलो कोई नहीं, चलते हैं सामने से ही चलते हैं। ओके तो यहाँ से पहले इसको अनलॉक करते हैं। रीलोड पहले कर लिए ताकि अगर कोई आर्मी आ भी जाए ना तो उनको आसानी से मार सकें। अरे हो जा जल्दी हो जा। ओके तो गाइस हैक कर लिया और आगे चल के देखते हैं। अभी तो सिर्फ यहाँ से हम एंटर हुए हैं लेकिन बाकी अब देखना पड़ेगा कि कौन से वाले में। ओके सामने तो दो हैं प्रिजन्स, लेकिन किस वाले प्रिज्म में है डॉर्वो ये देखना है। पहले इसको अनलॉक करते हैं हैक करके और उसके बाद जो है ना फिर देखेंगे कि कोई डॉर्वो किस वाले में है। आई होप डॉर्वो। अरे अरे ये क्या, ये तो कुछ हो रही है। सर्च दीस सेल्स फॉर डॉर्वो, ही हैज टू बी हियर समवेयर। की वजह से मुझे गन यूज करनी पड़ गई है। पहले इनको मारना पड़ेगा तो मतलब अब दूसरे वाले में जो है डॉर्वो उसी में। अल्लाह बॉल बॉल बची, शुक्र है तुम साइड पे थी, अगर उसके सामने होती तो उसने पकड़ के तुम्हें खा जाना था। हाँ फिर तो ना हमने कैप्टन बोर के रहना था, ना हमने खुद के रहना था और ना ही हम डॉर्वो को बचा सकते। लेकिन कहीं ऐसा ना हो डॉर्वो हमें दुश्मन समझ के हमें मारना ही शुरू कर दे। अरे बेवकूफ डॉर्वो तुम्हें जानता होगा ना पहले से, तुम नहीं जानती हो डॉर्वो को। ना डॉर्वो को ख्वाब आएगा कि हम तुम भी ना जी भी हो। चलो इसको अब अनलॉक करते हैं और आई होप इसके अंदर ही डॉर्वो हो। अगर इधर डॉर्वो ना हुआ तो फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा। ओके तो डॉर्वो मिल चुका है। अभी डॉर्वो ओके तो गाइस डॉर्वो कह रहा है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा लेकिन उससे पहले कि ये जो यहाँ से हमें निकलना होगा। ओके तो लोटस ने हमें लोकेशन दे दी है जहाँ पर हमारा स्पेस शिप खड़ा हुआ है और वहाँ से हमें डॉर्वो को लेकर एस्केप होना है और डॉर्वो को कवर देना है ताकि डॉर्वो को गन वगैरह ना लग जाए। ओके तो ये कह रहा है कि यकीनन लोटस ने तुम्हें भेजा होगा कॉर्पस के अंदर, लेकिन तू कहता रहे भाई, तू जो मर्जी कहता रहे, तेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, हम उसको लेके भाग के जाना है। तब तक तुझे समझ आनी है कि लोटस ने भेजा है कि किसने भेजा है। ओए ये तो इस तरह बैठे हैं यार, पूरी फील्ड बिछा के बैठे हैं इंतज़ार में, उनको पता था कि यहाँ से डॉर्वो कवर के अंदर है और हमें इसको फाइट करना है क्योंकि डॉर्वो का गन नहीं है और ऑब्वियसली डॉर्वो की जो हेल्थ है वो कम हुई होगी उसकी वजह से। ओके सब मर गए हैं तो कोई रहता है? मुझे लगता है सब मर गए। ओके तो डॉर्वो को लेकर जल्दी से इसके एक एक हो रहा है। मेरे को लेज़र बीम्स पकड़े होते हैं जिससे ये लोग मारने आते, पर इनके लेजर बीम से ज्यादा खतरनाक मेरी गन्स है। ओके जल्दी से रास्ता बनाओ और निकलो यहाँ से बाहर। ओए पूरी फौज आ रही है, ये निकल यहाँ से।
चल भैया आ जा भाई डॉर्वो। अरे डॉर्वो तो मेरे आगे खड़ा, पर मैं डॉर्वो को पीछे ढूंढ रही हूँ। वो ऊपर से तुम्हें कोई मार रहा है। वहाँ पर कोई ढंग का कवर भी नहीं है जिस कवर लेकर बंदा मारे। कोई नहीं, उनके मुंह के पास जाकर उनको मारे। ये तो डोर ओपन हो चुका है, यहाँ पर ये डोर नहीं। ओके, इसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा, उसको पहले हैक करना पड़ेगा। अरे ये तो डॉर्बो गायब हो जाता है। चलो यार डॉर्बो आ रहा है, जल्दी से इसको अनलॉक करो वरना तुम्हारे पीछे पीछे पूरी फौज आ जाएगी फिर से। अरे यार अभी इतने तुम्हारे ही ख़त्म क्यों नहीं होते। ओके तो ये अनलॉक हो गया, अभी यहाँ से जाना है। लेकिन पहले इनको पहले अपनी मौजूदगी का ना पता लाना चाहते, गिफ्ट वगैरह ना दे दो तब तक जाने नहीं देते। कोई नहीं, इनको अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। लो एक को तो मिला, बाकी रह गए ये दो। तुम्हें लग रहा है कि ये दो? अरे वो देखो, ऐसे लगता ही नहीं है कि ये एकदम से खड़े होकर मारेंगे। वेरी गुड, क्या एम बना के मारा इनके मुंह के ऊपर। सही बात है यार, अभी भी काफी ज्यादा रास्ता है। हैक कर रहा है यार वो हमारे माइंड को। ये देख लो गाइस क्या हो रहा है, हमें बिल्कुल सुनाई देना बंद कर गया और एकदम से हमारे माइंड को कंट्रोल कर शील्ड। We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try and block him. ओके तो उसको उससे हमें अवॉइड करना है। लेकिन यार ये किया क्या था उसने, किस तरह तुम्हारे माइंड को हैक किया था उसने? अगर थोड़ी देर और हो जाता ना तो पीछे से उसके वो जो उसका चमचा था उसने मार डालना था हमें। इसको तो पता ही नहीं है। ओके तो लॉटस कह रही है कि हमें गाइस जिस बात का डर था ना आज वही हुआ है, मतलब कैप्टन वॉर वाकई में हमें कर सकता है यार। आज तो उसने हद ही कर दी, उसमें कुछ सेकंड्स के लिए हमारा माइंड ही हैक हो गया था। ओके तो मेरे ख्याल से ये वही लेज़र गन्स वाला एरिया है जहाँ से हम लोग आए थे पहले। कोई नहीं, कवर बना बना के साइड से हम लोग गुजर के चले जाते हैं और गन्स को पता भी नहीं चलेगा। ओके तो यहाँ से निकलते हैं। ये लोग इंतजार में, उसको तो पीछे से पड़ी। हट जाओ यार, एक तो कैप्टन वॉर की वजह से ना मुझे बहुत ही गुस्सा आया, इससे पहले कि वो दोबारा से हैक कर ले और तुम जैसे बदतमीज लोग मारना शुरू कर दें मुझे तो फिर। ओके तो भाई डार्वो पीछे आता रहा जल्दी से, और बिल्कुल हम अपने स्पेस क्राफ्ट पे पहुंच चुके हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये मिशन पसंद आया होगा। तो फिर अगर पसंद आया है तो मित्रों मारा लाइक और ठोको सब्सक्राइब बटन, और हम मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में। तब तक के लिए गुड बाय।